हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी तरह के नोट्स वगैरह डाले हैं और वीडियो भी बनाई हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और नोट्स दूंगा और जो हमारे टॉपिक बचे हैं उसी के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। देखिए, हमारा जो बेसिक अभी रहता है उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सामग्री रहती है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको नोट्स दूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। काफ़ी दोस्तों ने निमीजी नेट की ऐप डाउनलोड की है, उन्हें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम ऐप के बारे में बात करते हैं। जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किन किन तरीक़ों से और कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए उनके बारे में बताया है इसके अंदर। और ये दोस्तों, इसके अंदर वैसे बताने को ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे और ये नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि विजुअल एड्स क्या होती है, जैसे कि अपना प्रोजेक्टर हो गया, मैप हो गया, चार्ट हो गया, पिक्चर होगी, इस तरह की जो शिक्षण सामग्री होती है उन्हें विजुअल एड्स कहते हैं। और फिर ऑडियो के अंदर क्या होता है, जैसे कि ऑडियो में रेडियो आ गया, टेप आ गया, रिकॉर्डर आ गया, ग्रामोफोन आ गया, इस तरह के आते हैं। और वीडियो ऑडियो विजुअल के अंदर जैसे टेलीविज़न आ गया, जिसके अंदर हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वैसे देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें से करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आने की संभावना रहती है, तो आप इनको अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और आगे आते हैं दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग, और इसमें से मेथड ऑफ टीचिंग में से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों और आगे भी आने की संभावना, ये भी आप अच्छे से कर लेना ध्यान से। और हमने यहाँ पे इस नोट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने आगमन विधि दी है, यहाँ पे हिंदी में है और नीचे फिर इसने हमने इंग्लिश में दिया हुआ, फिर ये निगमन विधि दी हुई है, फिर इंग्लिश में दिया हुआ। यहाँ पे हमने लगभग जितने भी टीचिंग के अंदर मेथड होते हैं वो सभी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और ये नोट्स लेने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो किस तरह से लेना वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। देखिए दोस्तों, इसमें सभी तरह की जो मेथड है वो हमने दिया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए, कोई सा भी मेथड समझ में ना आए, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसमें वैसे समझाने वाली ऐसी बात है नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ये सब कुछ बता रहा हूँ। तो चलिए, अब मैं ऐप के ऊपर आता हूँ। ऐप में आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है उन सभी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, और देखते कि ये नोट्स किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्त ये बता रहे हैं कि ऐप ओपन नहीं हो रही, तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप ऐप को एक बार दोबारा से रीइंस्टॉल कीजिए, उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो आपके फ़ोन में। अगर फिर भी ओपन नहीं हो रही है तो आप किसी और फ़ोन के अंदर ये ऐप डाल के देखिए क्या उसमें ओपन हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी बार अपने फ़ोन की प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे 95% फ़ोन के अंदर ये ओपन हो रही है, और एक दो दोस्त ऐसे मिले मेरे को जो कह रहे थे कि ओपन नहीं हो रही, तो हो सकता है उनके फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। और आगे चलते हैं, अब देखिए ऐप को ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब देखिए, काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट हमने दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट का है, और इसके अंदर जैसे ये जो है ना दोस्तों स्टडी मटेरियल, तो इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे। और ये भी एक दोस्तों की प्रॉब्लम थी, कह रहे थे कि नोट्स वो हिंदी में नहीं है, नोट्स इंग्लिश में नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम कह रहे थे,
लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे देख लेते हैं स्टडी मटेरियल पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी अपने टॉपिक्स आ गए, और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ कि हमने कुछ टॉपिक्स के अंदर नोट्स डाले हुए हैं और कुछ कुछ के अंदर अभी नहीं डाले, वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम लग रहा है हमें हम डालते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, हम सभी में नोट्स डाल देंगे। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और दोस्तों बता रहे हैं, कह रहे कि ये लोडिंग ही होता रहता पूरा का पूरा, इस तरह से नहीं खुलता। तो दोस्तों इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो या फिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कुछ भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि हमारा जो पूरा पेज है वो खुल गया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 हमने नोट्स डाले हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप ना इस तरह से ऊपर, जैसे हम फिंगर से इस तरह से आप रिफ्रेश करना पेज को, क्योंकि जैसे ही हम नोट्स डालते हैं हर 1-2 दिन में, तो वो आपको रिफ्रेश करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो आप ये नोट्स लेने के लिए इस तरह से रिफ्रेश ज़रूर करना, और उसमें चाहे आप कोई कुछ भी खोल रहे हैं, जैसे कि मान के चले कि रिसर्च खोल रहे हैं आप, तो उसमें भी सबसे पहले इस तरह से रिफ्रेश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपडेट नोट्स मिल सकेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, और अभी हमने जो नोट्स पढ़ा था वो नोट्स ये है दोस्तों, इसके अंदर ये रहा ये नोट्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से डाउनलोड होगा और हिंदी और इंग्लिश में है या नहीं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे सामने नोट्स खुल गया है, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी दिखाऊँगा कि डाउनलोड कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अब देखिए इसके अंदर ये हिंदी के अंदर हो गया इतना, और ये इंग्लिश के अंदर हो गया, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया है। लेकिन दोस्त हमेशा कहते कि आप हिंदी में डालते हो इंग्लिश में नहीं डालते, इंग्लिश में डालते हो हिंदी में नहीं डालते, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मैं डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों कहते हो ऐसी ऐसी बातें, मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसे डाउनलोड करना है। जब हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे देखिए डाउनलोडिंग हो रही है और डाउनलोड फिनिश्ड ये आ गया। डाउनलोड होने के बाद में ये मैसेज आएगा और फिर आपको ऊपर से नीचे ऐसे स्क्रॉल करना है, और फिर ये देखिए ये हमारे PDF डाउनलोड होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो नोट्स है आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, तो आप इसे बड़ी आसानी से कहीं भी कैसे भी इसे पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमने पहले भी नोट्स जो डाले हुए हैं वो भी हिंदी इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि यहाँ पर इसमें बात करते कि टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर, ये देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों ये हमने हिंदी इंग्लिश में डाला हुआ है। आप ये देखिए दोस्तों ये रहा, ये देखिए एक मिनट रुको आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये रहा इंग्लिश के अंदर, ये रहा हिंदी के अंदर, ठीक है, ये रहा इंग्लिश के हिंदी के अंदर, ये रहा इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश में मैंने डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार कहते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, हाँ ये देखिए ये हिंदी के अंदर है, ये इंग्लिश के अंदर है, एक एक चीज़ मैंने हिंदी इंग्लिश के अंदर डाली हुई, लेकिन फिर भी आप कहते हो। दोस्तों एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बता रहे थे वो आप सभी लोगों की बिल्कुल जायज़ है कि हमने जो पेपर फर्स्ट है वो केवल और केवल इंग्लिश के अंदर डाले हुए हैं यहाँ पे ये। और दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर हम आपको हिंदी में भी ओल्ड पेपर दें, ताकि आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी के लिए आप वेट कीजिए थोड़ा दोस्तों, और हम जल्द ही 2-3 दिन के अंदर ये जो पेपर है हिंदी में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज भी हमने टाइप किए थे हिंदी के अंदर पेपर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ हो जाएगा।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐप और हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, ताकि हम आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके, ताकि हमें भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, जिससे हमारी हेल्प हो सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो छोटा सा काम क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको निमिज नेट लिखना है। ऐसा लिखने से सबसे पहले नंबर पे आपके सामने ऐप आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है और 5 स्टार की रेटिंग देनी है। इससे दोस्तों हम आपको आगे आने वाले समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो भी आपके मन में विचार है हमारे प्रति, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको हमारी ऐप कैसी लगी, वो जो भी आपके मन में विचार है वो लिख सकते हैं। जैसे कि बेस्ट स्टडी ऐप फॉर UGC नेट, यानी कि आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ऐसा करने से दोस्तों हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी और हम आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।